हेलो एवरीवन, ऑल अबाउट ब्रिज इंजीनियरिंग के इस न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कॉर्बल्स या ब्रैकेट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। और मैं आपको इस एपिसोड में तीन ऐसे कंपोनेंट्स बताऊंगा जो एज अ ब्रैकेट या एज अ कॉर्बल डिजाइन किए जाते हैं। कॉर्बल्स और ब्रैकेट्स RCC डिजाइन की टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल है और हर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में इन्हें पढ़ता ही है। बट कैंटिलीवर और कॉर्बल के बीच क्या ऐसी बॉर्डर लाइन है जो उसके स्ट्रक्चरल बिहेवियर को डिफ्रेंशिएट करती है, वो जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कैसे लोड पॉइंट की पोजीशन से ट्रस एक्शन प्रोडोमिनेंट होता है या बेंडिंग एक्शन प्रोडोमिनेंट होता है, या कैंटिलीवर की तरह बिहेवियर होगा या कॉर्बल की तरह बिहेवियर होगा, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। सो इस स्केच से पहले हम देखेंगे कॉर्बल और कैंटिलीवर के बेसिक डिफरेंसेस के बारे में और फिर उन तीन कंपोनेंट्स के बारे में बात की जाएगी जो एज अ ब्रैकेट या एज अ कॉर्बल डिजाइन किए जाते हैं एक ब्रिज में। तो आप देखिए इस स्केच में एक टेपर्ड कैंटिलीवर बना रखा है, अभी लोड्स नहीं लगाए हैं। सो लेट से एक सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड लोड पी AV डिस्टेंस पे फिक्स सपोर्ट से लगा हुआ है और इस डिस्टेंस को जनरली शेयर स्पैन भी कहा जाता है। और अगर AV/D की रेशियो ग्रेटर देन 2 है सो आपका बहुत ही ज्यादा क्लियर इंडिकेशन है कि दिस स्ट्रक्चर विल बिहेव एज अ बेंडिंग मेंबर। इसमें सारे फोर्सेस बेंडिंग से ही रिजिस्ट किए जाएंगे और ये आप प्योरली कैंटिलीवर कह सकते हो। बट इन एनी केस अगर ये रेशियो AV/D दैट इज शेयर स्पैन टू डेप्थ रेशियो लेस देन 2 आता है तो इस स्ट्रक्चर में बेंडिंग एक्शन प्रिडोमिनेंट नहीं होगा, ट्रस एक्शन या जिसे आप स्ट्रट एंड टाई एक्शन भी बोलते हो वही प्रिडोमिनेंट होगा। बट कॉर्बल के लिए ये रेशियो दैट इज AV/D रेशियो लेस देन 2 के साथ साथ लेस देन 1 होना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए है, ये अपर लिमिट 1 की इसलिए दे रखी है क्योंकि जितने भी प्रिंसिपल्स फॉर्मूलाज और थ्योरीज डिफरेंट कोड्स में, चाहे आप IS 456 ले लीजिए, IRC 112 ले लीजिए, ACI 318 ले लीजिए या कोई ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स भी ले लीजिए, ये सारे फार्मूलाज और अजम्पशंस AV/D लेस देन 1 पे ही एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट किए गए हैं। इस एक्सपेरिमेंट वैलिडेशन के जो बेसिक रिसर्च पेपर्स हैं वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको लिंक को क्लिक करके फॉलो कर सकते हो अगर आप ज्यादा क्यूरियस हो। अदरवाइज ये सारे फार्मूलाज AV/D लेस देन 1 अगर है तभी वैलिड है। So, पहली चीज तो यह है कि कोई भी कैंटिलीवर एज अ कॉर्बल तभी बिहेव करेगा अगर उसकी डिटेलिंग AV/D लेस देन 1 के अकॉर्डिंग कर रखी है। और साथ साथ में कुछ और भी बॉर्डर लाइन्स हैं, जैसे कि जो आपकी टिप पे डेप्थ है वो रूट की डेप्थ के हाफ से एटलीस्ट इक्वल या ज्यादा होने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो आपका मेन टेंशन रिइंफोर्समेंट आएगा वो मिनिमम 0.4% होना चाहिए। और ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ये बिल्कुल टिप पे भी नहीं होना चाहिए। और कुछ ऐसे फार्मूलाज और ऐसी अजम्पशंस के बेसिस पे ही हमें कुछ क्राइटेरियाज कोर्स में गवर्न करने के लिए दे रखे हैं, वो हमें एट एनी कॉस्ट फुलफिल करने ही है। सो ये बहुत ही बेसिक और प्रीलिमिनरी कॉर्बल और कैंटिलीवर के बीच में डिफ्रेंसिएशन थी। एक और डिफ्रेंसिएशन जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो ये है कि जनरली अगर एक कैंटिलीवर बीम में शेयर फोर्स के रिकॉर्ड अकॉर्डिंग शेयर इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट आती है तो वो एज अ वर्टिकल स्टिरअप दे रखी होती है। बट कॉर्बल्स के केस में ये शेयर टाइज या शेयर लिंक्स या ये हुक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लेस होते हैं, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है डिटेलिंग में। और ये जनरली 2/3 फ्रॉम द टॉप ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट दी जाती है। तो कॉर्बल की मोर डिटेल्स आपको एपिसोड के एंड में एक स्केच में बिल्कुल दिखेंगी, वहां पे मैं आपको तीन वो कॉम्पोनेंट्स की भी और क्लियर पिक्चर्स अलग अलग ब्रिजेस से उठा के दिखाने वाला हूँ। तो हम अभी वापिस आते हैं कंपोनेंट नंबर 1 पे जो एज अ कॉर्बल डिजाइन किया जाता है किसी भी ब्रिज स्ट्रक्चर में। और इसका मतलब ये भी है कि अगर आप एक ब्रिज डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हो या आप अगर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको कॉर्बल डिजाइन आना चाहिए और कॉर्बल की एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। सो पहला कॉम्पोनेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सीज़मिक अरेस्टर। ये जो एंड में आप चीज देख रहे हो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की, ये है सीज़मिक अरेस्टर और ट्रांसवर्स सीज़मिक अरेस्टर। इस सीज़मिक अरेस्टर पे जनरली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ही आते हैं इन द केस ऑफ अ सीज़मिक इवेंट। अगर किसी वजह से आपकी बेयरिंग सीज़मिक फोर्सेस लेने के इनकेपेबल हो जाती है या सीज़मिक फोर्सेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, सो टू इंश्योर कि हमारा सुपरस्ट्रक्चर जो सारे डिफरेंट गर्डर्स हैं वो पेडिस्टल से नीचे ना गिरें, उससे पहले ही इस ट्रांसवर्स सीज़मिक अरेस्टर से टकरा के
अपनी पोजीशन पे रहें, बट जब वो टकराते हैं तो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इस सीज़मिक अरेस्टर पे, ट्रांसवर्स सीज़मिक अरेस्टर पे आ जाते हैं और इसी के थ्रू वो पियर कैप से होते हुए पियर पे जाके फाउंडेशन पे ट्रांसफर होते हैं। सो इस केस में ये जो सीज़मिक अरेस्टर है ये एज अ कॉर्बल डिजाइन किया जाता है। सो अब सेकेंड कॉम्पोनेंट भी एक्चुअली एक सीज़मिक अरेस्टर ही है, तो उसको हम एक ही कॉम्पोनेंट में कैटेगराइज करते हैं, वो है लॉन्गिट्यूडनल सीज़मिक अरेस्टर, जो आप यहाँ साइड में देख सकते हो। अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आते हैं और किसी वजह से बेयरिंग इनसफिशिएंट हो जाती है उस हाईली इंड्यूस्ड सीज़मिक फोर्सेस को लेने के लिए, तो ये लॉन्गिट्यूडनल सीज़मिक अरेस्टर्स भी एज अ कॉर्बल डिजाइन होते हैं। और इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस जनरली गर्डर के कुछ बॉटम डेप्थ से 250-300 के बीच में लाए करता है। तो ये तो था कॉम्पोनेंट नंबर वन। अब दूसरा कॉम्पोनेंट जो एज अ कॉर्बल डिजाइन किया जाता है वो जनरली डर्ट वॉल के पीछे की ब्रैकेट होती है। आप ये देख सकते हैं ये लास्ट स्पैन है और लास्ट स्पैन अबटमेंट्स पे रेस्ट कर रहा है, ये वॉल टाइप अबटमेंट है। और क्योंकि ये वॉल टाइप अबटमेंट है और इसके पीछे रिटर्न वॉल है, तो डर्ट वॉल इस स्ट्रक्चर में मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी रिटर्न वॉल के पीछे छुपी होगी। बट एपिसोड के एंड में मैं एक बहुत ही क्लियर इमेज लगाने वाला हूँ जो मैंने क्लिक की थी, जिसमें रिटर्न वॉल नहीं थी, आरी वॉल पैनल्स थे और एक गैप स्लैब थी। वहां पे बहुत ही क्लियरली आपको डर्ट वॉल दिखेगी और एक ब्रैकेट दिखेगी जिसपे अप्रोच स्लैब रेस्टेड है और कुछ वर्टिकल लोड्स जो हम लाइव लोड की मूवमेंट से जनरली 70 और बोगी के लिए उसको डिजाइन करते हैं। सो कॉम्पोनेंट नंबर टू आपके डर्ट वॉल की ब्रैकेट है। अब कॉम्पोनेंट नंबर थ्री पे आते हैं जो एज अ ब्रैकेट या एज अ कॉर्बल चेक की जाती है। सो आप ये देख सकते हो कि इन पियर कैप्स में बेयरिंग लोकेशंस या रिएक्शन पॉइंट्स तीन हैं। एक तो जस्ट पियर के ऊपर है जिसको मैं थोड़ा जूम करके बताता हूं, और बाकी सारे जस्ट एजिस पे हैं। अगर ये रेशियो एजिस वाली आउटर गर्डर्स की एवी अपॉन डी लेस देन वन हो जाती है तो इसको एज अ कॉर्बल हमें डिजाइन करना पड़ेगा और जो कैंटिलीवर की डिटेलिंग है वो यहाँ काम नहीं करेगी। अब इस केस में तो हमारे पास एक्चुअली तीन ही गर्डर्स हैं और आउटर स्पैन पे या कैंटिलीवर पोर्शन पे एक ही गर्डर है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये एज ए कैंटिलीवर ही डिजाइन होता है। बट लेट्स से आपके पास अगर ऊपर कैरेज वे विड्थ बहुत ज्यादा है और मल्टीपल नंबर ऑफ गर्डर्स हैं एक ही पियर कैप पे, सो देयर आर हाई चांसेस कि जो आउटर गर्डर्स हैं उन पे आप बेंडिंग एक्शन से कैंटिलीवर डिजाइन करते और जो इनर गर्डर्स हैं उन पे एज अ कॉर्बल एक्शन प्रिडोमिनेंट हो सकता है। इसकी भी एक क्लियर इमेज एपिसोड के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा जहां मल्टीपल गर्डर्स होंगे और हो सकता है कि जो नियरेस्ट गर्डर है पियर के वो एज अ कॉर्बल डिजाइन हो और जो आउटर मोस्ट गर्डर्स हैं वो उनके उनकी वजह से पियर कैप एज अ कैंटिलीवर डिजाइन हो। सो मैक्सिमम ऑफ द टू रिइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड की जाती है एज अ टेंशन रिइंफोर्समेंट, और हॉरिजॉन्टल स्टिरप्स के लिए जितना भी कॉर्बल पोर्शन बनता है बस वहीं पे वो हॉरिजॉन्टल स्टिरप दी जाती है। सो अब हम बात कर लेते हैं डिटेलिंग की। कॉर्बल के जो भी डिटेलिंग फिनोमिनन्स हैं उस पर आप देखिए स्केच में, जनरली आपको शियर रिइंफोर्समेंट और टेंशन रिइंफोर्समेंट की ही रिक्वायरमेंट पड़ती है, बट डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शियर रिइंफोर्समेंट को टाई करना है, इन हुप्स को प्रॉपरली एंकर करना है। तो ये जो टेंशन रिइंफोर्समेंट है इसको सिंपल एक वर्टिकल लेग ना दे, एक हॉरिजॉन्टल लेग ना दे के एक कंप्लीट लूप बनाया जाता है, सो दैट कंप्रेशन फोर्सेस भी अगर कंक्रीट में किसी वजह से एक्सीड हो जाएं तो ये कंप्रेशन स्ट्रट का काम करे और हॉरिजॉन्टल शेयर स्टिरप्स 2/3 फ्रॉम द टॉप ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट वो भी यहाँ एंकर इजिली हो जाए। सो आप देखो एक्चुअली मेन स्टील टेंशन वाला ही है और शेयर स्टिरप्स ही है, थियोरेटिकली कंप्रेशन फोर्सेस के लिए कोई स्टील नहीं रिक्वायर्ड है, ये सिर्फ डिटेलिंग का पार्ट है। और कंस्ट्रक्शन फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लूप्स जनरली प्रेफर किए जाते हैं, ऑल्दो काफी टेक्स्ट बुक्स में यहाँ वेल्डेड बार भी दिखाया जाता है, बट कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे जाए एक ब्रिज में तीन ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं, तो अगर ज्यादा ब्रिजेज हैं, मल्टी स्पैन ब्रिजेज हैं, तो उसमें कितनी ही वेल्डिंग पॉसिबल होगी। सो जनरली लूप्स आर मोर प्रेफर्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज ऑल इन दिस एपिसोड रिगार्डिंग कॉर्बल डिजाइन। कॉर्बल डिजाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज स्ट्रक्चर्स हैं और इसका डिजाइन एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को जरूर पता होना चाहिए, बट जो बेसिक रिसर्च पेपर्स हैं जिसकी वजह से ए वी बाई डी की रेशियो लेस देन वन,
यहाँ जो भी लिमिट्स कोड में लगा रखी हैं, फॉर एग्जांपल मिनिमम टेंशन इन्फोर्समेंट 0.4% होनी चाहिए, जो शेयर स्वूप्स आप दे रहे हो उसकी इन्फोर्समेंट एटलीस्ट हाफ ऑफ द टेंशन इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट करके फॉर्मुलेट की गई हैं। वो रिसर्च पेपर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसे देख सकते हो। और एपिसोड के एंड में आप 3-4 ऐसी इमेजेस देखोगे जिससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि ये कॉम्पोनेंट्स एज अ पावरफुल डिज़ाइन होते हैं। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगे, एंड इफ यू फाइंड इट रिलेटेबल, आपको ये अगर कुछ भी हेल्प करता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं।